भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा ने गाड़ियां, होटल, जहाज, खान पान से लेकर कई बिजनेस में सफलता हासिल की, लेकिन रतन टाटा का एक ख्वाब ऐसा था जो पूरा ना हो सका। साल 2008 के जनवरी महीने में दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो चल रहा था। यहां सबसे ज्यादा चर्चा थी टाटा मोटर्स की तरफ से लॉन्च होने वाली एक ऐसी कार की जिसे हिंदुस्तान के आम आदमी की कार बताया जा रहा था, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए होने की बात कही जा रही थी। ये कार थी टाटा नैनो। रतन टाटा के वादे के मुताबिक कार की कीमत थी 1,00,000 रुपए और इसकी आकर्षक कीमत के चलते ही नैनो कार सुर्खियों में आ गई। वैसे भी 1,00,000 रुपए की कार लाने का विचार जितना दिलचस्प था उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। टाटा मोटर्स ने इससे कुछ साल पहले टाटा एस नाम से एक मिनी ट्रक लॉन्च किया था। ये मिनी ट्रक छोटा हाथी के नाम से बाजार में काफी बिकने लगा था। टाटा मोटर्स ने उसी सफलता को दोहराने के लिए टाटा एस को बनाने वाले गिरीश वाघ की टीम के सामने रतन टाटा के नैनो के सपने को साकार करने का लक्ष्य रखा। 2006 में पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो का प्लांट तैयार हुआ। इस प्लांट के लिए स्थानीय किसानों से जमीन ली गई, एक पूरी फैक्ट्री लगाई गई और इसमें नैनो का उत्पादन शुरू हो गया। लेकिन तब विपक्ष में रही ममता बनर्जी के नेतृत्व में किसानों के तीव्र आंदोलन के चलते ये काम रोकना पड़ा और सितंबर 2008 में सिंगूर प्लांट पूरी तरह बंद हो गया। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने टाटा से नैनो की फैक्ट्री को गुजरात के साणंद लाने का ऑफर दिया। इस तरह सिंगूर से उत्पादन बंद होने के 14 महीने बाद नवंबर 2009 में गुजरात में कार का उत्पादन शुरू हुआ। नैनो को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2009 से भी सम्मानित किया गया था। नैनो का शुरुआती रूप 4 पहियों वाले रिक्शे जैसा था। ऐसी भी अटकलें लगाई गई कि इसकी बॉडी प्लास्टिक की होगी या मोटे कागज की। आखिर में हल्के एल्यूमिनियम से नैनो की बॉडी और 3 सिलेंडर वाला इंजन तैयार किया गया। महज 1,00,000 रुपए की कार के लिए हर कोई बुकिंग चाह रहा था, लेकिन शुरुआती कुछ मॉडलों को छोड़कर नैनो की कीमत को लंबे समय तक 1,00,000 रुपए तक रखना संभव नहीं था और यहीं से नैनो का डाउनफॉल होना शुरू हुआ। कार की लॉन्चिंग के 4-5 साल के दौरान कच्चे माल की कीमतें बढ़ने लगी, इसलिए टाटा मोटर्स ने कार के दाम भी बढ़ा दिए। इस बढ़ोतरी के कारण टाटा नैनो मारुति 800 और मारुति ऑल्टो की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ती नहीं रह गई। इसके चलते लोगों का झुकाव फिर से मारुति की कारों की तरफ होने लगा। इसके अलावा लोगों ने टाटा नैनो की गुणवत्ता में भी कमी की शिकायत की। जैसे पहले मॉडल में ट्रंक की कमी थी, इंजन शोर करता था और अंदर लगे प्लास्टिक बहुत कमजोर लगते थे। कुछ कारों में आग लगने की घटनाओं के कारण इसकी साख और खराब हुई। टाटा नैनो की साख पर सबसे बड़ा सवाल 2014 में तब लगा जब कार की सुरक्षा रेटिंग देने वाले ग्लोबल एनकैप ने इसे 0 स्टार दिया। इस रेटिंग के बाद कई लोगों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। टाटा मोटर्स ने बाजार में इस ब्रांड को बचाने के लिए नैनो ट्विस्ट और जेन एक्स नैनो जैसे नए मॉडल भी पेश किए। इनमें CNG का ऑप्शन भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद नैनो की बिक्री नहीं बढ़ी। बाद में रतन टाटा ने खुद स्वीकार किया कि नैनो की मार्केटिंग फेल हो गई थी। 2012 में एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने कहा था, नैनो का मकसद दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना नहीं था, हम एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो किफायती हो और लोग उसकी सराहना करें। वैसे अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी नैनो का इलेक्ट्रिक वेरिएंट लाने के बारे में सोच रही है। हालांकि टाटा मोटर्स ने इसकी ना तो पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है।